शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं आपकी गुरु रुक्मणी, आपकी गुरु, आपकी माँ, आपकी गाइड, आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। हमारे शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली के भगवान श्री शनिदेव के दर्शन करते हुए आइए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। अब से 20 मिनट में नीलम रत्न के बारे में जो जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ वो यूट्यूब के और किसी वीडियो में आपको प्राप्त नहीं होगी, ना ही आपको वो इंटरनेट पे मिल सकती है और ना ही वो आपको किसी किताब में मिलेगी, क्योंकि ये ज्ञान हमें अपने गुरु से प्राप्त हुआ और उनके 30 वर्षों के अनुभव से और उसके बाद हमारे 10 वर्षों के अनुभव से जो हमने नीलम रत्न को समझा है, मैं वो सारी जानकारी आपको आज देने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। तो चलिए जानते हैं आपकी राशि में नीलम रत्न पहनने से क्या होगा, क्या नीलम आपको बनाएगा राजा या भिखारी। अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। 14 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे इस चैनल के हो चुके हैं और डेली हमारा ये जो परिवार है ये बढ़ता जा रहा है, तो इसके सदस्य बनने के लिए तुरंत ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन भी दबाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल पे 6000 से ज्यादा वीडियोस हैं जो आपको बहुत सा ज्ञान प्रदान करेंगी, उसको भी आप देखते रहें। नीलम रत्न जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत ही प्रभावशाली रत्न है। बहुत से लोगों के मन में नीलम रत्न सुनते ही विभिन्न ख्याल आने लगते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नीलम पहनने से उनका भाग्य उदय हो सकता है, तो कुछ लोग नीलम पहनने से बहुत ही डरते हैं। तो आपको अपनी राशि के अनुसार नीलम धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। किस धातु में, किस उंगली में, कितने वजन का नीलम, के क्या प्रकार होते हैं, कौन से रंग का, वो सारी जानकारी इस वीडियो से आपको प्राप्त होगी। चलिए बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के जो स्वामी है वो है शुक्र और नीलम ग्रह के जो अधिपति है वो है शनिदेव। शनि क्रूर ग्रह माने जाते हैं और शुक्र एक सौम्य ग्रह माने जाते हैं। शुक्र क्योंकि दैत्यों के गुरु है, एक गुरु है, तो शनि उनका आदर करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि तुला राशि वाले नीलम धारण करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आपकी लगन तुला लगन है और आपके एजुकेशन में कोई समस्या आ रही है या आपके प्रेम में कोई समस्या आ रही है, ऐसी स्थिति में आप नीलम धारण कर सकते हैं। अगर आपके घर से संबंधित कोई समस्या आ रही है, घर नहीं बना पा रहे या प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है या उससे संबंधित कोई केस चल रहा है, तो भी आप नीलम को धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर परिस्थिति खराब है, यानी कि शनि का कष्ट आपको आ रहा है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, हम आपको ये सलाह देंगे कि आप नीलम रत्न जरूर धारण करें। नीलम रत्न धारण आपको किस स्थिति में करना चाहिए, चलिए जानते हैं। अगर आपकी शनि बहुत खराब है आपकी जन्म कुंडली में, अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है या शनि की साढ़े साथी लगी हुई है, धैया लगी है, पनौती लगी है, उस स्थिति में नीलम रत्न को धारण किया जा सकता है। अगर गोचर में शनि बहुत ही खराब चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी नीलम रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको शनि से संबंधित कोई बीमारी सता रही है, यानी कि कैंसर, पैरालिसिस, किडनी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, डायलिसिस चल रहा है, बहुत समय से ऐसी कोई बीमारी है जो आपकी पकड़ में नहीं आ रही, ठीक नहीं हो रही है, घुटनों की समस्या हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। अगर शनि के कारण आपके जीवन में कोर्ट कचहरी हो रही, आपका वकीलों पर कोर्ट में बहुत खर्चा हो रहा है या आपका केस बहुत लंबा लटकता जा रहा है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, पूरा नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में भी जेल, कोर्ट कचहरी इत्यादि से बचने के लिए, उसमें फायदा पाने के लिए भी नीलम रत्न धारण किया जा सकता है। अगर आपके विवाह में बहुत ही ज्यादा विलंब हो रहा है तो भी बहुत कुंडलियों में देखा गया है कि शनि के कारण ही ऐसा होता है, या आपके जीवन में बहुत सारी चीजों में रुकावटें आ रही है, तो हो सकता है शनि आपके खराब है और ऐसे में आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं तो भी आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। यानी कि शनि यदि एक नंबर में बैठे, मेष राशि में आपकी कुंडली में शनि बैठे हैं, तो शनि आपका नीच का हुआ, ऐसी स्थिति में अगर आपको कष्ट हो रहा है तो आप नीलम रत्न को धारण बिना झिझक कर सकते हैं। लेकिन इसे धारण करने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली पहले चेक जरूर करानी चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार ही आप जान पाएंगे कि नीलम रत्न का कौन सा रंग आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि नीलम के बहुत सारे रंग आते हैं। जी हाँ, बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं है। काला, गहरा नीला
इस रंग से शुरू होते हुए नीलम बैंगनी, नीलम आसमानी नीला या बिल्कुल लाइट ब्लू कलर में भी आता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नीलम के बहुत सारे अलग अलग शेड्स और कलर्स की फोटो मैंने आपको दिखाई है। इसके अनुसार आप जानकारी ले सकते हैं कि नीलम किस किस विभिन्न रंगों में आता है और हर किसी को अपनी जन्म कुंडली के अनुसार एक अलग ही विशेष कलर का नीलम सूट करता है। तुला राशि वाले नीलम धारण करना चाहते हैं, उनको धारण करने वाला जो रंग होगा वो गहरे नीले से थोड़ा सा हल्का होगा, लेकिन बहुत हल्के में भी आपने नहीं जाना है, नीले रंग में ही रहना है। उसका कलर वॉयलेट हो सकता है, उसका कलर लाइट ब्लू हो सकता है, लेकिन कलर जो मैंने आपको बताया वो मीडियोकर कलर, ना ज्यादा गहरा हो ना ज्यादा हल्का हो, वैसा रंग ही आप लीजिए। नीलम को हम चांदी में धारण कर सकते हैं और साथ ही सोने में भी धारण कर सकते हैं। इसके लिए अगेन हमें अपनी जन्म कुंडली को देखना होता है कि नीलम को हमने कितना पावर देना है, उसके हिसाब से उसे यदि ठंडा रखना है तो चांदी में, अगर लगता है कि उसमें थोड़ा सा ताप देने की आवश्यकता है, उसको थोड़ा पावर देने की आवश्यकता है तो सोने में उसे धारण किया जाता है। नीलम रत्न को अपने बीच की उंगली में यानी कि मिडल फिंगर मध्यमा में से धारण किया जाता है। हाथ जो है, अगर आपने कोई भी रत्न धारण नहीं कर रखा है तो उस स्थिति में सीधे हाथ में आप इसे धारण कर सकते हैं। अब बात आती है कि नीलम रत्न यदि आप लें तो कितने रत्न का लें। नीलम रत्न जो पहनने में आता है कम से कम 3.25 रत्न से शुरू हो जाता है और इसे आप 11.25 रत्न तक भी पहन सकते हैं। उसके लिए आपके शरीर का वजन, आपकी जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव, कितनी आपको समस्या है, कितना पावर देने की आवश्यकता है उसके हिसाब से, और आपकी उम्र क्या हो गई उसके हिसाब से ही निर्धारित किया जाता है कि 3.25 से 11.25 रत्न तक के बीच में कौन सा नीलम आपको धारण कराया जा सकता है। नीलम एक कॉस्टली रत्न है जो बाजार में लगभग 5,000 रुपए से लेकर के 20,00,000 रुपए तक एक रत्न आपको प्राप्त हो जाता है। जो इसकी कॉस्ट है, इसका प्राइस है, वो इसके रंग पर, इसके लस्टर पर, इसके शाइन पर, इसकी क्वालिटी पर, कि उसमें कितने दाग धब्बे हैं, वो कितना साफ है, उसके हिसाब से उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। नीलम एक बहुत ही असरदार रत्न है। जो भी व्यक्ति नीलम को धारण करता है और नीलम उसे सूट करता है तो ऐसी स्थिति में उसके जीवन में धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, पद उन्नति, ये सब उसे प्राप्त होता है। नीलम जिन व्यक्तियों को सूट करता है उन व्यक्तियों को आश्चर्यजनक परिणाम दिखाता है। अगर आपके जीवन में आलस्य है, आप निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो नीलम रत्न धारण करने से ये दोनों कमियां भी दूर होती है। नीलम रत्न धारण करने से हमारे आसपास एक ऐसा सुरक्षा घेरा, एक ऑरा बनता है जिसके कारण जो लोग हमसे ईर्ष्या रखते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, हम पे बुरी नजर रखते हैं या हम पे कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करते हैं, उन सभी से हमें राहत मिलती है। नीलम रत्न हमें इन सभी चीजों से सुरक्षित रखता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि में भी हमें बहुत लाभ देता है। नीलम रत्न शरीर में पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है, आलस्य को दूर करता है, हमारे जीवन में फोकस दृढ़ता को बढ़ाता है, हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है, हमारे मन में धैर्य और सुख शांति बढ़ती है, अज्ञात भय, बुरी नजर, शत्रुओं से भी हमारी सावधानी करता है। नीलम जिनके लिए धन से संबंधित है उनकी जन्म कुंडली में धन का कारक बना है और लाभ का कारक बना है, उनके जीवन में धन को भर देता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है और नाम सम्मान बढ़ाता है और धन को भी शीघ्र ही प्रभावित करता है, धन की उन्नति कराता है। जो व्यक्ति कानूनी क्षेत्र से जुड़े हैं, एडवोकेट हैं, जज हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट हैं या कानूनी क्षेत्र से जुड़े हैं, कोर्ट इत्यादि में काम करते हैं, उन व्यक्तियों को भी नीलम रत्न धारण करना बहुत ही लाभकारक होता है। नीलम रत्न को धारण कैसे किया जाए? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम नीलम रत्न किसी दुकान से खरीद लें, खरीद करके उसे कच्चे दूध में धो लें या गंगा जल से धो लें और शनि का मंत्र का थोड़ा सा जाप कर लें 11 बार, 21 बार, 108 बार, तो हम नीलम को धारण कर सकते हैं। परंतु ये जो प्रोसेस है ये अधूरा है। किसी भी रत्न को धारण करने के लिए या नीलम की बात करें, नीलम को धारण करने के लिए विशेष रूप से शनि के मंत्रों को जिसने सिद्ध किया
यानी कि 5.25 लाख बार उस शनि के मंत्र का जाप कर रखा हो और निरंतर ही शनि की साधना करते हो, उनकी कम से कम एक माला वो रोजाना करते हो, ऐसा कोई व्यक्ति ही आपके नीलम को सिद्ध कर सकता है। नीलम को सिद्ध करने का जो प्रोसेस है वो 3 दिन का है, यानी कि 3 दिन में ही नीलम की सिद्धि की जा सकती है। उसके बाद उसे शुभ मुहूर्त के शनिवार की शाम को यदि धारण किया जाता है तो नीलम का पूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त होता है। बिना मंत्र सिद्ध किए यदि कोई भी रत्न धारण किया जाता है या अधूरी मंत्र सिद्धि किए बिना प्राण प्रतिष्ठा किए उसको धारण किया जाता है तो वो रत्न हमें फल प्रदान नहीं करता है, वो केवल एक फैंसी रत्न बन जाता है। जैसे हम और फैंसी चीजें पहनते हैं अपने हाथ में, और ज्वेलरी पहनते हैं और हीरे जवाहरात रत्न पहनते हैं, सोने की अंगूठी इत्यादि पहनते हैं, उसी प्रकार से नीलम भी केवल एक फैंसी रत्न बन के रह जाता है। तो अगर आप नीलम फायदे के लिए धारण करना चाहते हैं तो ऐसे किसी योग्य व्यक्ति से ही उसे मंत्र सिद्ध कराएं जिसके पास ये योग्यता हो कि वो नीलम रत्न को सिद्ध कर सके। अगर आपको ऐसा कोई योग्य विद्वान नहीं मिलता है तो हमारे शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली से आप नीलम रत्न अपने लिए मंत्र सिद्ध करके मंगवा सकते हैं। अब आपको बताना चाहूंगी 2 अलग किस्म के नीलम के बारे में। सबसे पहले लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं खूनी नीलम क्या है। जो नीलम होता है यदि उसके अंदर लाल रंग के बिंदु, हल्का सा रक्त का सा रंग, कोई लाल सी लालिमा अगर दिखाई देती है तो उसे खूनी नीलम या रक्तांबरी नीलम भी कहा जाता है। इस नीलम को कहते हैं उन व्यक्तियों को धारण करना चाहिए जिसके कुंडली में मंगल और शनि दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन हमने अपने एक्सपीरियंस से, हमने अपनी प्रैक्टिस में खूनी नीलम का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि हमारे हिसाब से कोई भी ऐसा रत्न नहीं है जिसको 2 मंत्रों से सिद्ध किया जा सके। और एक और ऐसा रत्न आता है जिसे पीतांबरी नीलम कहते हैं, जिसमें बृहस्पति यानी उसमें थोड़ी सी पीला छटा होती है, पीला रंग भी होता है और नीला रंग भी होता है, उसे पीतांबरी कहते हैं। कहते हैं जिनकी कुंडली में शनि और गुरु दोनों ही अच्छे हैं वो इस नीलम को, पीले नीलम को या पीतांबरी नीलम को धारण कर सकते हैं। लेकिन हमने अपनी प्रैक्टिस में इसका प्रयोग नहीं किया है क्योंकि एक ही रत्न में 2 सिद्धि नहीं की जा सकती, दोनों ग्रह को नहीं स्थापित किया जा सकता है, इसलिए हम इस नीलम का प्रयोग नहीं करते। और कुछ लोगों से जिन्होंने खूनी नीलम धारण किया है या पीतांबरी धारण किया है, उन्होंने आकर के जो हमें बताया है तो वो एक्सपीरियंस उनका अच्छा नहीं था, उनको उससे अच्छा महसूस नहीं हुआ, जिसके कारण उन्होंने तुरंत ही उसे उतार दिया। तो आप जब भी नीलम खरीदने वाले हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि उसमें कोई भी लालिमा ना हो और कोई भी पीलापन ना। अब बहुत से लोग कहते हैं कि नीलम तो हमने धारण कर लिया लेकिन फिर भी नीलम हमें फल नहीं दे रहा है। लेकिन कहा जाता है नीलम तो बहुत ही तेज असर करने वाला रत्न है। बिल्कुल तेज असर करने वाला रत्न है, लेकिन उसके साथ नीलम को धारण करने के साथ साथ कुछ नियम भी होते हैं। शनि जैसा कि आप जानते हैं न्याय की देवता है। अगर आप नीलम धारण करके दूसरे पर अत्याचार कर, एक तरफ तो आपने नीलम धारण किया है, दूसरी तरफ अपने माता पिता के साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो नीलम अपना प्रभाव नहीं देगा और हो सकता है आपको खराब प्रभाव भी देने में। अगर आप लेबर क्लास के साथ, जो लोग मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, उनका हक मारते हैं, उनको आप कम देते हैं, उनको खुश नहीं रखते हैं, तो भी नीलम प्रभावहीन हो जाएगा। अगर आप झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, उनको टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं, केवल अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं, तो भी नीलम अगर आपने धारण किया है तो वो भी आपको फल नहीं देगा। अगर नीलम धारण करने के बाद आप मीट, मांस, मदिरा इन सब चीजों का सेवन करते हैं, यानी कि नॉनवेज लेते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, तो भी आपको नीलम फल नहीं देगा। इन नियमों का विशेष रूप से हमें ख्याल रखना होता है। और भी कुछ नियम होते हैं जिसे अंगूठे को धारण कराने के बाद हम बताते हैं। नीलम एक बहुत ही विस्मयकारी रत्न है, बहुत शीघ्र प्रभाव देने वाला रत्न है। आपको अगर सूट करता है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार तो व्यक्ति को राजा बनाने की क्षमता रखता है। हमारे भारत में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनको नीलम ने राजा बनाया है। नीलम जो रत्न है वो खदानों में से, माइंस में से प्राप्त होता है। जब तराशा नहीं जाता तो
तो खदान में से निकलने के बाद या माइंस में से निकलने के बाद नीलम ऐसा दिखता है। जब उसे तराशा जाता है तब वो इस प्रकार से सुंदर आकृति का बनता है और पहनने योग्य बनता है। नीलम के प्राप्ति स्थान क्या क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नीलम का जो प्राप्ति स्थान है वो एक तो कश्मीर है। कश्मीर में एक सर्वश्रेष्ठ किस्म का नीलम मिलता है। इसका जो रंग होता है वो मोर की गर्दन की तरह बहुत ही सुंदर नील वर्ण का होता है। कश्मीर के जो नीलम है वो महंगे भी आते हैं। दूसरा नीलम का जो प्राप्ति स्थान है वो है बर्मा। यहाँ के जो नीलम होते हैं उनमें हल्का सा हरापन होता है लेकिन फिर भी दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। यहाँ के नीलम भी महंगे होते हैं लेकिन कश्मीर से थोड़े कम। तीसरा जो स्थान है जहाँ से नीलम प्राप्त होता है और बहुत ही फेमस जगह है वो है श्रीलंका। श्रीलंका में सीलोन के नाम से जो नीलम आता है वो श्रीलंका से आता है। यहाँ पे पाया जाने वाला नीलम बहुत ही सुंदर होता है, कृष्ण आभा वाला होता है। हल्के रंग के नीलम जो है वो यही पाए जाते हैं। बैंकॉक में भी नीलम पाया जाता है। बैंकॉक का नीलम थोड़ा सस्ता होता है और इसका जो रंग होता है वो काफी गहरा होता है। दक्षिण भारत में भी नीलम की प्राप्ति होती है लेकिन यहाँ पर जो नीलम मिलता है वो काफी गहरे रंग का होता है। नीलम ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है और यहाँ के नीलम भी गहरे नीले रंग के होते हैं। अमेरिका में भी नीलम पाया जाता है। यहाँ के नीलम में एक धातु जैसी चमक उस नीलेपन में होती है। रूस में भी नीलम पाया जाता है लेकिन यहाँ के नीलम बहुत अच्छे नहीं माने जाते। साउथ अफ्रीका में भी नीलम पाया जाता है लेकिन उसे भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और ऐसे बहुत से दुनिया में विचित्र सबसे बड़े सबसे महंगे नीलम भी हैं जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। अमेरिका के म्यूजियम में एक 536 कैरेट का नीलम जो कि पाया गया था, श्रीलंका से ये पाया गया था। और ये जो नीलम है वो 536 कैरेट का बहुत बड़ा नीलम है। इसका नाम जो रखा गया वो है स्टार ऑफ इंडिया। ये इसी नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसके आगे और पीछे दोनों तरफ ही स्टार जैसी आकृति बनी है और बहुत ही देखने में सुंदर है। ये दुनिया का सबसे आकर्षक नीलम है। ऐसे ही पेरिस में जो म्यूजियम है वहां पर भी 132 कैरेट का एक नीलम रखा गया है जिसे रोज पोली नीलम का नाम दिया गया है। ये नीलम 132 कैरेट का है और ये नीलम बंगाल में प्राप्त हुआ था। पेरिस में जॉर्डन डेस प्लांटिस नाम की जगह पर एक 2 इंच लंबा और 1.5 इंच मोटा नीलम है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की ग्रीनलैंड की खान में 1953 में संसार का सबसे बड़ा नीलम जो कि 2302 कैरेट का प्राप्त हुआ था, उसे एक कारीगर ने लगभग 1800 घंटे कड़े परिश्रम करा और राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन उनके लिए इसे तराशा। अब ये जो नीलम है ये राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की संग्रहालय में म्यूजियम में रखा गया है। ऐसे ही ब्रिटिश म्यूजियम में बुद्ध भगवान की एक मूर्ति जो कि नीलम को काट करके बनाई गई है वो रखी हुई है। इसी प्रकार से बहुत से दुनिया में नीलम है जो कि बहुत विचित्र है, बहुत महंगे हैं। ये उनमें से जो सबसे मशहूर और बड़े हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मैं आपसे मिलूंगी कैसे एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जीवन को सरल बनाया जा सकता है ऐसी किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। जय शक्ति। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।